सवाल पूछा है एंड आई एम, अब पूरी थकान चली गई है, अब नया सवाल का जवाब हम नया देंगे. एक दिन बची है फिल्म को एंड प्रमोशंस में ही पता चलता है, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, पता लगता है फीडबैक, और सो फार इट्स बीन वेरी वेरी पॉजिटिव. तो वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी होती है जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है. एंड वन डे टू गो, बस एक बार ये फिल्म रिलीज़ हो जाए, नैया पार हो जाए, हम रिलैक्स करेंगे. बहुत अच्छी फीलिंग थी, आई थिंक अच्छा लगता. मैं NM में पढ़ी हूँ, बट मिठीबाई के कैंटीन में बहुत समय बिताया था मैंने, और फेल्ट रियली नाइस टू गो बैक. एंड ऐसा जब रिस्पॉन्स यंगस्टर्स से मिलता है तो इट जस्ट फील्स रियली गुड. एक फिल्म, ये एक अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, यंग लव स्टोरी है, तो उनसे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, एंड विच इज़ गुड फॉर अस, यू नो. बहुत लोगों के साथ इंसान जब काम करता है तो पॉसिबल नहीं है सबसे. मुझे एक्चुअली जिन लोगों की सबसे दोस्ती होती है ना, मुझे उनसे डर लगता है, बिकॉज सबसे दोस्ती होती है मतलब कुछ रियल नहीं है बॉस, मुझे ऐसा फील होता है. कुछ लोगों के साथ नेचुरली दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों के साथ नेचुरली एक यू नो एक पॉजिटिव एटमोसफियर बन जाता है एंड यू गेट अलॉन्ग विद समबडी. तो मेरे थोड़े दोस्त हैं इंडस्ट्री में, और आज की तारीख में मैं कहूँगा उनमें से एक सोनाक्षी हैं, बिकॉज इस फिल्म में काम करने के बाद आई फील दैट वो बहुत ही बहुत मज़ा आया हमको काम करके साथ में. शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और सो आई थिंक शी इज़ अ फ्रेंड, एंड आई थिंक फिल्म खत्म होने के बाद भी आई एम श्योर. और तू तो ऐसे बोल रहा है हम लोग आगे पिक्चर नहीं करेंगे साथ में यार. मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सोनाक्षी बस डेट्स नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं मैडम फिट कर ले मुझे. आई थिंक सो यस, आई थिंक एक जो अच्छी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था ये फिल्म शूट करते वक्त, एंड हमारी पूरी टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है. एंड आई वुड डेफिनेटली कॉल शायद अ फ्रेंड एंड मेक श्योर दैट वी आर इन टच इवन आफ्टर द फिल्म. कि बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, हमने देखी है, और हम इस प्रोडक्ट से, हमारी फिल्म से बहुत खुश हैं. जब आप देखते हैं कि मेहनत आपकी कैसे रंग लाई है स्क्रीन पर, तो और भी अच्छा लगता है, एंड वी जस्ट वांट टू शेयर दैट विद द ऑडियंस. एंड उन्होंने हमारे प्रोमोस को, हमारे गानों को इतना सराहा है, एंड आई विश दैट दे एंजॉय द फिल्म एज मच एज दे लव द सॉन्ग्स इन द. प्रभु देवा के डायरेक्शन और सोनाक्षी सिन्हा की ब्यूटी के लिए आप आर राजकुमार जी. सिर्फ ब्यूटी, लक थोड़ी दिखता है टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर. आपकी खूबसूरती, आपका टैलेंट, आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट, आपका. और शाहिद कपूर को एज एन एक्शन हीरो देखने के लिए प्लीज आइए. हाय, मैं हूँ शाहिद कपूर. और मैं हूँ सोनाक्षी सिन्हा, और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं.